लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अनसुनी कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम घृताची था, जो स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी। गुरु द्रोणाचार्य के जन्म को लेकर पौराणिक ग्रंथों में दो कथाएं मिलती है, जिसमें पहली कथा के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सरा घृताची किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से धरती पर उतरकर नदी में स्नान कर रही थी। नदी के पास ऋषि भारद्वाज का आश्रम था, जहां वे अप्सरा घृताची को नदी में स्नान करते देखकर कामातुर हो जाते हैं, जिसके कारण उनका वीर्य स्खलित होकर द्रोण कलश में गिर जाता है, जिसे उन्हें द्रोण नामक पुत्र प्राप्त होता है। जबकि दूसरी कथा के अनुसार भारद्वाज ऋषि ने अप्सरा घृताची से विवाह किया था। उन दोनों के समागम से जिस पुत्र का जन्म हुआ, ऋषि भारद्वाज ने उसका नाम द्रोण रखा था। वही द्रोण आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य बने थे। वे भगवान परशुराम जी के शिष्य थे। उनका विवाह कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंशावतार हैं। गुरु द्रोण ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। उन्होंने अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। इसके अलावा अर्जुन को चक्रव्यूह भेदन करने की भी शिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना का सेनापति बनकर चक्रव्यूह की रचना की थी। गुरु द्रोण ने पांचाल नरेश द्रौपदी की कन्या शिखंडी को भी धनुर्विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध के 15वें दिन द्रौपदी और शिखंडी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध किया था। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें अपना गुरु माना था। बाद में गुरु दक्षिणा में अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।